Hi guys, welcome back to our channel High Tech Group. My name is Raman Sharma and today I'll be showing you a property in Sushant Lok 1, 300 square yards. To be very honest, मुझे इधर आए हुए कम से कम 10 से 15 मिनट हो गए और मैं कंफ्यूज हो रखा हूँ यार, स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्योंकि जो ये प्रॉपर्टी है ना, ये मतलब भाई क्या बना दिया है, मतलब इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉपर्टी अवेलेबल इन द मार्केट यार, एंड आई रियली मीन इट। मैं आपको सिर्फ है ना शुरू में एक एक पैन करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि और आप बताना कि मतलब ये वीडियो, मतलब ये प्रॉपर्टी आपको कैसे लग रही है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी हो तो आपको होटल जाने की भी जरूरत ना पड़े। सो शुरू से स्टार्ट करते हैं। एज सून एज आई एंटर द फ्लोर, ये आ जाता है आपका लॉबी एरिया। इधर आप अपना आराम से एक सोफा लगा के, इधर बढ़िया से LCD TV लगाकर आराम से बैठ सकते हो। एज वी मूव फॉरवर्ड, दिस इज द डाइनिंग एरिया एंड दिस इज द ड्रॉइंग एरिया। मुझे शायद से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि ये प्रॉपर्टी कितनी लग्जरी है। हमेशा दो वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है लग्जरी एंड एक होता है अल्ट्रा लग्जरी। अगर अल्ट्रा लग्जरी से भी ऊपर कोई प्रॉपर्टी है तो भाई वो ये है। लुक एट दिस, द फ्लोरिंग दैट यू विल बी गेटिंग विल बी इटालियन मार्बल एंड आई थिंक सो दीज स्मॉल एलिमेंट्स मेक अ फ्लोर अल्ट्रा लग्जरी, दीज काइंड ऑफ लाइट्स। इसमें आप देखोगे तो कुछ ऐसा वॉलपेपर वगैरह कुछ भी नहीं लगा रखा है, बहुत ही क्लासी स्लीक डिजाइन दे रखा है। सो प्रॉपर VRV सिस्टम हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द बिल्डर इन द ड्रॉइंग इन द डाइनिंग एरिया एक्सेप्ट वन रूम इन ऑल द रूम्स आल्सो। इन द लॉबी एरिया आल्सो VRV सिस्टम हैज बीन प्रोवाइडेड। सो द VRV ऑफ ड्रॉइंग डाइनिंग एंड लॉबी एरिया विल बी कंट्रोल फ्रॉम हेयर। ये पूरा इटालियन मार्बल है। आप कब समझ सकते हो कि बिल्डर एक बहुत प्रोफेशनल और एक बहुत ही एक्सपीरियंस है। देखो आप इटालियन मार्बल का जो इधर कलर है वो बिल्कुल जा रहा है वॉल के साथ। अब जैसे हम एंटर करते हैं लॉबी एरिया में, इसका जो कलर है वो इस वॉल के साथ जा रहा है। दिस शोज द एक्सपीरियंस ऑफ द बिल्डर। द लेआउट इज ऑल्सो अमेजिंग। एज सून एज वी एंटर द फ्लोर, दिस इज द मंदिर एरिया। नाउ वी आर एंटरिंग इन टू द किचन। द किचन इज वेरी वाइड, वेरी स्पेशियस, वेरी क्लासी। आई एम स्पीचलेस। वाओ। So you will be getting hob, Raman focus. So you will be getting microwave oven and hob and chimney with the floor. So the company is of CAF. The kitchen is totally modular. मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, but this is a soft close and this is the space for the refrigerator and this is the pantry area. These are some LED cabinets. बहुत ही क्लासी है. This is also soft close and this is the dishwashing area. ये बिल्कुल बाहर निकल सकता है, आप आराम से इसको यूज करो। एंड दिस इज डिश वॉशर, इसमें भी आपको प्रॉपर कैबिनेट्स दे रखे हैं, मतलब स्टोरेज स्पेस की कोई भी कमी नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपको अपने जो सब्सक्राइबर्स उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, बट कई बार क्या होता है कि चीज़ इतनी बढ़िया होती है आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। सच में अगर घर ऐसा हो तो होटल जाने की क्या ज़रूरत है। आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये मार्बल है पूरा लॉबी एरिया में। अभी मेरे साथ पता है क्या हुआ, मैं कितनी बार वीडियो, मतलब आपने देखा होगा जितना भी मैंने देखा, मैं कितनी बार इस एरिया से गुजर चुका हूँ और 15 मिनट से मैं वैसे भी इधर ही एरिया से गुजर रहा था। मैं ये सोच रहा था कि 300 गज का बनाया और सिर्फ दो रूम्स दिए हैं, ये देखो, मतलब आई वॉज इन अ शॉक। बट जब मैंने देखा कि जो किचन है किचन की साइड में जा रही है, दिस इज द स्टोरेज स्पेस, मुझ पे बोला भी नहीं जा रहा भाई। सो दीज आर द स्टोरेज स्पेस दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द बिल्डर
एंड ऊपर आपकी वुडन पैनलिंग प्लस में LED फिटिंग्स बहुत अच्छी लग रही है. दिस इज द वॉशरूम दैट हैज बीन अटैच विद द फर्स्ट रूम. ये प्रॉपर अच्छा स्पेस मिलता है आपको. ये LED मिरर्स हैं एंड द फिटिंग्स दैट यू आर गेटिंग विद द फ्लोर इज ऑफ कॉलर. इसका भी देखो बहुत ही स्लीक डिजाइन कर रखा है. इसमें VRV डक्ट इन ACs हैं. ये पूरा टेम्परेचर कंट्रोल है. इधर फर्स्ट रूम से एग्जिट लेते वी हैव एंटर्ड इन द लॉबी एरिया अगेन एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेकेंड रूम. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको हर चीज़ की नॉलेज हो, बट कई बार ना चीज़ फील करने से समझ आ जाता है कि क्वालिटी कंस्ट्रक्शन यूज़ कर रखा है. तो ईच रूम हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ इंटीरियर्स डन. सबकी अलमीरा अलग है. आप ये देखो, वाओ, ये देखो कितना क्लासी लग रही है ये चीज़ें. सो द सेकेंड रूम इज़ अटैच विद द बैक बालकनी एंड दिस इज द वॉशरूम. वॉशरूम में भी आपको LED मिरर्स, कॉलर की फिटिंग्स, ये प्रॉपर कैबिनेट एंड दिस इज द पार्टीशन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द बिल्डर. क्या करोगे होटल में जाकर जब घर में इतनी सब कुछ चीज़ें मिल रही है. नाउ वी आर एंटरिंग इन टू द थर्ड रूम. इसमें भी आपको प्रॉपर LED फिटिंग्स एंड वुडन पैनलिंग मिलेगी. इसमें आपको एक कुशन बेड बैक मिलेगा एंड दिस रूम इज ऑल्सो अटैच विद बैक बालकनी. So now we are entering into the third washroom. Now we are taking exit from the third room. यार फोर्थ रूम कहाँ है? फोर्थ रूम कहाँ गया? पता है मुझे. दिस इज द फोर्थ रूम. दीज आर द LED स्टोरेज स्पेस. हर रूम का इंटीरियर डिफरेंट है. इसमें भी आपका वॉशरूम अटैच है. वाओ, ये चीजें बहुत ब्यूटीफुल लगती है यार. इसमें भी पार्टीशन है. मतलब हर वॉशरूम में हर चीज प्रोवाइड कर रखी है एंड दिस वॉशरूम इज कॉमन. और इसकी जो एग्जिट है वो इधर से होगी. टिल नाउ मैंने इस साइज में जितने भी फ्लोर्स देखे हैं उसमें आई डोंट थिंक सो कोई भी बिल्डर इतना सब कुछ प्रोवाइड कराता है. And the prices are also very good. So the floor is nearby position, so the work is still going on. So as soon as we head towards the terrace, on the right side this is the service entry. So this means yes, top width terrace is available in this floor. And this is the service entry. जो top से नीचे जितने भी लोग रह रहे होंगे UGA first second, तो वो ये entry use करेंगे अगर उनके डिश में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, वाटर टैंक से रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम हो, मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो वो ये स्टेयर्स यूज़ करेंगे. अब हम एंटर करते हैं. एक काम करो, आप मेरे रिएक्शन देखो क्योंकि मैंने अभी तक देख ही नहीं है छत. मैंने सिर्फ यही देखा है. ठीक है. टेरिस मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ है कि आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको दिख जाएगा. ये प्रॉपर्टी हर प्रॉपर्टी से डिफरेंट इसलिए है, वन ऑफ द मेन रीज़न, कि इसके टेरिस के ऊपर भी एक टेरिस है. वो मैं आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले आप ये देख लो. दिस इज़ द बार काउंटर. ये प्रॉपर इधर स्पेस प्रोवाइड करवा रखा है. ये आपका पैराबोला आ गया, या आपका हाई टी टाइम के लिए या सिटिंग एरिया के लिए. इसमें आपको एक प्रॉपर वॉशरूम एरिया, पेंट्री एरिया भी मिलेगा. अब मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर वाली टेरिस. ये लो सर. सो आपके टेरिस के ऊपर एक टेरिस है. ऐसी चीज़ के बाद, ऐसा घर लेने के बाद आपका मन भी नहीं करेगा यार कहीं जाने का, क्योंकि घर पे इतनी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी हैं. ये देखो, मुझे लगता है मैं एक ड्रीम में हूँ यार.
मेट्रो जा रही भाई सामने से इधर. तो गाइज आई होप यू हैव लव्ड द वर्चुअल टूर ऑफ दिस प्रॉपर्टी. इफ यू वांट टू विजिट दिस प्रॉपर्टी देन प्लीज कॉन्टैक्ट अस एट 8929028000. In case if you're looking for some other kind of property in different kind of location, size, or your preference may be different, then please, no need to worry, we are here for you. Please contact us at 8929028000. To know the availability, as you know that top floor is available. So if you want to know the availability and the pricing of this floor, then please contact us at 8929028000. As we are working in this business for past more than 20 years, so we have good relations with each and every builder. So we are having the best prices in the market and the negotiation will be the best. That's my word, that's my guarantee. Please like, share, comment on this video and subscribe to the channel Hitech Group. We'll be bringing these kind of video each and every week. This is Raman Sharma signing off. Bye, love you, take care. Chhat ke upar chhat, terrace ke upar terrace. Amazing property. A huge shout out to builder.